केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने की कोशिशें अब तेज कर दी हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। आज भोपाल में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड ने टाइटेनियम थीम पार्क के में दुनिया के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर वर्कशॉप की है और तमाम एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स के संचालक, उद्योगपतियों और परमाणु ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए अफसरों ने पृथ्वी तत्वों के उपयोग और उसके भविष्य को लेकर विमर्श किया है। IREL की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के मुताबिक रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर ढेरों तकनीक विकसित कर ली गई है जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले कारोबारियों के लिए कामयाब साबित होंगे। दुनिया की दुर्लभ पृथ्वी धातुएं आपके जीवन में कितना कमाल कर सकती हैं, ये आपको उम्मीद नहीं होगी, या ये कहें कि आपकी जिंदगी को बेहद आसान बना सकती हैं। दरअसल भोपाल में दुनिया की दुर्लभ धातुओं पर IREL की तरफ से टाइटेनियम थीम पार्क के ऑडिटोरियम में कार्यशाला हुई। इसमें एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट्स और उद्योगपतियों ने दुर्लभ धातुओं के भविष्य और उनके उपयोगों को लेकर मंथन किया, साथ ही इनकी किस्मों, खूबियों और प्रोसेसिंग पर चर्चा हुई। वर्कशॉप में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती और IREL के चेयरमैन डॉक्टर दीपेंद्र सिंह शामिल रहे। बताया गया कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों वाले प्रोडक्ट्स के लिए परमानेंट मैग्नेट के जरिए उनके हल्के वजन और उच्च चुंबकीय शक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक भागों की एक विस्तृत श्रृंखला को छोटा करना संभव बना दिया है, यानी बड़े और फैले हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को मिनिएचर साइज मिला दिया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन, घरेलू उपकरण, ऑडियो वीडियो उपकरण, कंप्यूटर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल हैं। वहीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स कैटेलिक कन्वर्टर, पवन चक्कियों और हाइब्रिड कारों के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए भी मदद करते हैं। दीज मटेरियल्स केम टू ग्लोबल प्रोमिनेंस ड्यू टू द ट्रांजिशन टू अ ग्रीन इकोनॉमी थ्रू देयर प्रेजेंस इन परमानेंट मैग्नेट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एप्लीकेशंस इन क्लीन एनर्जी जनरेशंस लाइक विंड पावर एंड सो ऑन। This rare earth material is a strategic sector. It is going to play important role. That's why this workshop is basically to understand the research development and the gap areas where we should be focusing, and also with the industry so that they take our product and start manufacturing the rare earth products like magnets, etc. दरअसल IREL दुनिया के दुर्लभ धातुओं के विषय पर सालों से रिसर्च कर रहा है ताकि इनकी बेहतर उपलब्धता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देश को समर्पित हो सके। इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का संरक्षण भी मिल रहा है। IREL ने अपनी प्रौद्योगिकी विकास परिषद के माध्यम से रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग करके अंतिम उत्पादों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कई सारी तकनीक भी विकसित की है, जिनमें लैंथनम और सेरियम धातु के लिए बनी तकनीक भी शामिल है। IREL की कोशिश है कि लैंथनम और सेरियम धातुओं के प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया जाए ताकि कमर्शियल इस्तेमाल भी हो सके। इनका पांचवा सबसे बड़ा भंडार है जो ऑस्ट्रेलिया से लगभग दोगुना है। लिहाजा केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि भारत दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के खनन के साथ ही उनका प्रसंस्करण कर आत्मनिर्भर बन सके। आज के समय में चूंकि भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, जो वर्कशॉप है इससे हम अपने साइंटिफिक फ्रेटर्निटी को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि वो इससे सीख लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करें, जिससे और भी अच्छे मटेरियल देश को सामने मौजूद हो सके। केंद्र सरकार ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सेक्टर में काम करने वाले देशों को चुनौती देना शुरू कर दिया है, नई तकनीकें विकसित कर कमर्शियल मार्केट को सहूलियत देकर ये साफ कर दिया है कि अब इस क्षेत्र में भारत दूसरे देशों को पछाड़ने की बड़ी तैयारी में है। बता दें कि हाल ही में IREL ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के प्रोडक्शन की शुरुआत विशाखापट्टनम में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में की है। वहीं भोपाल में भी रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क की शुरुआत की है ताकि औद्योगिक उत्पादों के आधुनिकीकरण के जरिए कारोबारियों को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को मुकम्मल करने का मौका मिल सके। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।